क्या ब्याज के पैसों के चक्कर में हुई है मुकेश सहनी के पिता की हत्या? आधी रात जीतन सहनी के घर में घुसने वाले चार लोग आखिर कौन थे? क्या घर में घुसपैठ करने वाले हत्या के आरोपी हैं? पुलिस ने अब तक जो दावा किया है, क्या वह दावा सही साबित हुआ है? आइए आपको बताते हैं। बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई। हत्या के एक दिन बाद पुलिस को घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से कुछ अहम सबूत मिले हैं। इस सीसीटीवी से पता लगा है कि सोमवार रात 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच चार लोग सहनी के घर में घुसे और कुछ देर घर के अंदर रहने के बाद वो बाहर चले गए, जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस सहनी के घर में घुसने वाले चारों लोगों की कुंडली खंगाल रही है। इन चारों का सहनी से क्या नाता था? क्या यह पहले भी घर पर आते जाते थे? इन सब बातों का पुलिस पता लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ जांच से पता लगा है कि इन चार लोगों में से एक दो लोगों ने जीतन सहनी से ब्याज पर पैसा उधार लिया था। इनका कुछ दिन पहले जीतन सहनी से झगड़ा भी हुआ था। इसमें से एक शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल भी उनके पास सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इसी मोटरसाइकिल को छुड़ाने की बात करने के लिए ये लोग रात के वक्त सहनी के घर पर आए थे। अब इन सब जानकारियों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन लोगों से सहनी की बहस हुई थी? क्या सोमवार रात इसी दरमियान मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई? जाहिर सी बात है, इन तमाम बातों के बाद ये शक तो पैदा हो ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी पता लगा है कि इन चार लोगों में से दो की दो दिन पहले जीतन सहनी के साथ कहासुनी हुई थी। इस दौरान उन्हें सबक सिखाने की धमकी भी दी गई थी। अब पुलिस को शक है कि हत्या की गुत्थी इसी के इर्द गिर्द सुलझ सकती है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।